ज्यादा खबरों के लिए सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। अनावश्यक किसी को जो है परेशान होने की जरूरत नहीं है। कुछ सेक्शंस ऑफ मीडिया में एक रिपोर्ट ये चल रही थी कि पूरे जनपद में जो है बंदी है, ऐसा नहीं है। केवल इन हॉटस्पॉट्स में कार्रवाई करी जा रही है। सभी डीएम्स और एसपीस को और पुलिस कमिश्नर्स को निर्देशित कर दिया गया है। मैं डीजीपी साहब से चाहूंगा कि इन हॉटस्पॉट्स में क्या क्या चीजों को समाधान करना होगा, किन किन चीजों का ख्याल करना पड़ेगा, किन किन माध्यम से लोगों को सहयोग करना पड़ेगा, डीजीपी साहब बताएं। हमारे जो सबसे ज्यादा इफेक्टेड 15 जनपद हैं, जिनके विषय में आपको अभी अपर मुख्य सचिव साहब ने बताया है, उसमें क्लस्टर्स हैं जहां पर इस तरह के पीड़ित व्यक्तियों के रहने की या किसी हिस्ट्री उनकी जुड़ी हुई है उनसे। तो ये एरियाज वो पोटेंशियल पॉइंट्स हैं जहां से स्प्रेड की संभावना लगातार बनी हुई थी। तो ये तय किया गया है कि किसी जनपद में, जिन जनपदों की हम बात कर रहे हैं, वो एरियाज जो कॉन्सेंट्रेटेड क्लस्टर्स हैं कोरोना वायरस के, उनको हम इंटेंसिव लॉकडाउन में लाएं। उसका रीज़न ये है कि किसी तरह का इन्फेक्शन स्प्रेड ना हो, उसको प्रॉपरली कंटेन किया जा सके। इसके लिए कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं और वो व्यवस्था ये है कि सबसे पहले वहाँ का सैनिटेशन विशेष रूप से इम्प्रूव करना। तो उसमें उस एरिया को कॉर्डन कर करके वहाँ पर जितना फायर सर्विस की गाड़ियाँ भी इस काम में लगाई गई हैं, उनको लगा करके एक एक्सटेंसिव सैनिटेशन ड्राइव चलाया जाना। वहाँ पर लॉकडाउन को 100% लागू किया जाना, यानी कि जो पास सिविलियन इशूड हैं उन पासेस को भी स्थगित किया जाएगा इस अवधि में, जिस अवधि में एक्सटेंडेड और इंटेंसिव लॉकडाउन हम लागू कर रहे हैं। जो सप्लाईज का बिंदु पैदा हो रहा है वो ये है कि वहाँ पर जो लोग उन एरियाज में रह रहे हैं, वहाँ पर सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट मेडिकल सप्लाईज को डोर स्टेप पर मुहैया कराएगा। यानी बाहर लोग आकर के दुकानों पर खरीदारी नहीं करेंगे, चाहे वो दवा हो, चाहे बैंकिंग सर्विसेज हो, चाहे वो किसी और प्रकार की सर्विसेज हो, वरन उनको आवश्यकता अनुसार उनके डोर स्टेप पर प्रोवाइड किया जाएगा। किसी भी तरह की आवाजाही उस एरिया में उसी प्रकार रोकी जाएगी जिस प्रकार नॉर्मल कर्फ्यू में रोकी जाती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि वहाँ पर लोगों को चिन्हित किया जाएगा, कौन आदमी कहाँ किस मकान में रह रहा है, वो कितने फासले पर है उन लोगों से जो जहाँ पे पहले इस तरह के लोगों का रहना पता चला है, जहाँ पे वो लोग रहे हैं, उनके परिवार के लोग रहे हैं, इससे उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा। और ये जो तमाम सारे लोग आवागमन कर रहे हैं कि एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले को जाना है तो बीच से होकर के निकल रहे हैं, इसको बिल्कुल रोक दिया जाएगा। कहने का मतलब कि बैरिकेडिंग करके उन एरियाज को बिल्कुल सेग्रीगेट किया जाएगा, वो जीरो जोन बना दिए जाएंगे ट्रैफिक के लिए। तो ये प्राइम व्यवस्था लागू की गई है।